साथियों, आज हम लोग जॉन गाल्सवर्दी का एक और इम्पॉर्टेंट प्ले जिसका नाम स्ट्राइफ है उसको डिस्कस करेंगे। और इस स्ट्राइफ को जॉन गाल्सवर्दी साहब ने 3 एक्ट में लिखा है। कितने एक्ट का प्ले है ये? 3 एक्ट प्ले है जिसको पब्लिश करवाया गया था 1909 में। और इस पर आधारित जितने भी TGT PGT में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लास्ट में वीडियो के अंत में एकदम इंक्लूड किया गया है, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलो साथियों, हम लोग शुरू करते हैं जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखे गए प्ले स्ट्राइफ, जो कि पब्लिश हुआ था 1909 में। दोस्तों, इसके पहले तो हम ये बता दें कि ये जो स्ट्राइफ प्ले है, इस प्ले की जो शुरुआत होती है वो ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स नाम की एक कंपनी से, जो कि इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर पर है दोस्तों। और इस कंपनी के मैनेजर का नाम होता है अंडरवुड। हम आगे भी डिस्कस करेंगे, चलो पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम बताएंगे कुछ मेन कैरेक्टर। देखो, मैनेजर का नाम हमने बता दिया अंडरवुड है, चेयरमैन इसका जो होता है, इस कंपनी का चेयरमैन ऑफ द बोर्ड जो होता है उसका नाम एंथनी होता है, जो कि जिद्दी है और 75 साल का है। तो जब भी हम कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर्स में सबसे पहला कैरेक्टर हमारा जॉन एंथनी ही है। हम सबसे पहले जॉन एंथनी को डिस्कस करेंगे दोस्तों। जॉन एंथनी क्या है? चेयरमैन दिखाया जाता है, मैंने क्या बताया, ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स नाम की एक कंपनी है। तो जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये एक कंपनी का नाम है, एक संस्था का नाम है। और इस कंपनी का चेयरमैन कौन है, चेयरमैन कौन है, उसका नाम है जॉन एंथनी। क्या नाम है? जॉन एंथनी। दोस्तों, ये जो जॉन एंथनी है ये बहुत ही अड़ियल है, जिद्दी स्वभाव का है, और ये एक 75 साल का 75 ईयर्स का जो है व्यक्ति है दोस्तों। इतना क्लियर हो गया। दूसरा कैरेक्टर है हमारा एडगर एंथनी। ये जो एडगर एंथनी है इसको जरा समझ लीजिएगा। एडगर एंथनी, ये जो जॉन एंथनी का बेटा दिखाया जाता है, सन ऑफ जॉन एंथनी, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो चेयरमैन है इसका पुत्र कौन होता है? एडगर एंथनी होता है। कौन होता है? एडगर एंथनी। जॉन एंथनी और एडगर एंथनी क्या है? बाप बेटा है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, एक दिखाई जाती है एनिड अंडरवुड। ये जो एनिड अंडरवुड हैं वो एंथनीज की डॉटर हैं, यानी कि जॉन एंथनी की क्या हैं? पुत्री हैं। इसका मतलब जो फैमिली ट्री हमारा तैयार हो रहा है वो कुछ इस तरीके से, जॉन एंथनी के एक बेटा जिसका नाम एडगर एंथनी है और एक बेटी एनिड अंडरवुड हैं। ठीक है, एनिड अंडरवुड की जो शादी होती है वो कंपनी के मैनेजर, इनकी जो कंपनी होती है ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स नाम की, इस कंपनी के मैनेजर होते हैं, उनसे हो जाती है, जिनका नाम होता है फ्रांसिस अंडरवुड। तो जब ये जॉन एंथनी अपनी बेटी एनिड अंडरवुड की शादी फ्रांसिस अंडरवुड से कर देती हैं तो फिर इनकी वाइफ बन गई, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया कि एनिड अंडरवुड क्या है? फ्रांसिस अंडरवुड की पत्नी है और ये डॉटर टू जॉन एंथनी, यानी कि एंथनीज की क्या है? पुत्री है। इतना क्लियर हो गया। 3 कैरेक्टर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपने यहाँ पर देखा ये कैरेक्टर का जिक्र हुआ था कि फ्रांसिस अंडरवुड। अब ये फ्रांसिस अंडरवुड कौन थे? फ्रांसिस अंडरवुड कौन थे? मैनेजर थे। मैनेजर कहाँ के थे? टिन प्लेट वर्क्स के, यानी कि जो कंपनी थी, ओके, ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स नाम की जो कंपनी थी उस कंपनी के ये क्या थे? प्लांट मैनेजर थे। यानी कि इतना क्लियर हो गया। तो अब ये 4 राइटर्स, एक और इम्पॉर्टेंट राइटर हैं डेविड रॉबर्ट्स। ये डेविड रॉबर्ट क्या होते हैं? लीडर दिखाए जाते हैं ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। इसमें बेसिकली क्या होता है जरा समझिएगा, ट्रिनार्था कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उन डायरेक्टर्स
वर्कर्स और डायरेक्टर्स के बीच में क्या दिखाया जाता है, एक झगड़ा दिखाया जाता है। तो ये जो डायरेक्टर्स के खिलाफ इतने जो फैक्ट्री के वर्कर होते हैं, जो टिनार्था टिन प्लेट वर्क्स नाम की जो कंपनी होती है जो कि इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर पर है, उसके वर्कर्स क्या करते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं। तो उसी स्ट्राइक को, इन दोनों के बीच में जो संघर्ष होता है, वहीं से नाम निकल करके आया स्ट्राइक। ओके, इस स्ट्राइक को हटवाने के लिए, इस स्ट्राइक को ख़त्म करने के लिए वर्कर्स और डायरेक्टर्स के बीच में क्या होती है, मीटिंग होती है। ओके, डायरेक्टर्स और इनके, और ये मीटिंग कहाँ होती है, अंडरवुड के घर पर, जो कंपनी का मैनेजर होता है अंडरवुड, उसके घर पर होती है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा कहानी है, मैं पूरा डिटेल करूँगा जब इस प्ले को अभी हिंदी में बताऊँगा। फिलहाल तो अभी तो मैं तुम्हें राइटर्स के बारे में बता रहा हूँ। इतना क्लियर हो गया साथियों? ओके, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि ये डेविड रॉबर्ट क्या है, एक लीडर है, और किन का लीडर है, स्ट्राइकिंग वर्कर्स का, जो स्ट्राइक कर रहे हैं। कहाँ के वर्कर, कौन से, टिनार्था टिन प्लेट वर्क्स नाम की कंपनी के वर्कर जो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, उनको लीड करने वाला व्यक्ति कौन दिखाया जाता है, डेविड रॉबर्ट्स दिखाया जाता है। इतना क्लियर हो गया। दूसरी तरफ फ्रांसिस अंडरवुड, वो तो मैनेजर ही है उस प्लांट का, उस कंपनी का। और एक चीज यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है कि जो एनी रॉबर्ट हैं वो कौन है, इसकी पत्नी है, इस लीडर की, जो मजदूरों का लीडर बना हुआ है, इसकी पत्नी है, और उनका नाम है एनी रॉबर्ट्स। ये डेविड की वाइफ हैं, और ये कोई एक्टिव कैरेक्टर नहीं है प्ले में, यानी कि बहुत ज़्यादा इनका रोल नहीं है। तो पूरी कहानी अब समझ में आ गई, पूरी कहानी क्या थी हमारी, एक जॉन एंथनी के बेटे का नाम एडगर एंथनी, और एडगर एंथनी की बेटी का नाम एनिड एंथनी था, लेकिन शादी के, फ्रांसिस अंडरवुड से शादी हुई तो ये एनिड अंडरवुड बन गई। ठीक है, एनिड अंडरवुड की शादी किससे हुई, फ्रांसिस अंडरवुड से। ये कौन है फ्रांसिस अंडरवुड, तो ये फ्रांसिस अंडरवुड इस कंपनी के मैनेजर हैं। ये कंपनी किसकी है, कंपनी इनके ससुर की है, और ससुर कौन है, जॉन एंथनी है। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट, और इस कंपनी में ही एक वर्कर है जिसका नाम है डेविड रॉबर्ट, और इसकी पत्नी कौन है, एनी रॉबर्ट्स हैं। ठीक है, ये जो इनकी कंपनी में काम करता है डेविड रॉबर्ट्स, ये क्या करता है, मजदूरों का लीडर भी है। ठीक है, मजदूरों की हमेशा आवाज़ उठाता है, और इसकी पत्नी एनी रॉबर्ट्स हैं, जो कि ये जॉन एंथनी है, इनके घर पर ही मेड का काम करती थी पहले। अब नेक्स्ट, सिमोन हार्नेस कौन होता है, इसके बारे में समझिएगा। ये जो सिमोन हार्नेस दिखाया जाता है, ये ट्रेड यूनियन का ऑफिसर होता है, यही वो व्यक्ति होता है, यही वो ऑफिसर है जो वर्कर्स और कंपनी के बीच में सुलह कराने का काम करता है। जो किसके बीच में, जो ट्रेड यूनियन के वर्कर्स हैं, और उधर जो कंपनी के मैनेजर, या आप ये कह सकते हो कि जितने भी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके बीच में सुलह कराने का काम कौन करता है, सिमोन हार्नेस करता है। तो सभी कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ज़्यादातर जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी में, वो या तो कैरेक्टर से लेकर के पूछे जाएंगे, आपके वर्क से रिलेटेड, यानी कि आपका कब पब्लिश हुआ, इससे रिलेटेड होंगे। और एक चीज़ पूछी जाती है जिसे ध्यान रखना है कि इसकी थीम क्या थी। हर एक वर्क की आपको थीम ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर ये किस पर आधारित प्ले है, ठीक है, और कौन सा कैरेक्टर, उनका लिंक क्या है, ठीक है, प्ले में उनका रोल क्या है, ये चीज़ ध्यान बनाए रखना। सिमोन हार्नेस की बात करते हैं तो एक ट्रेड यूनियन ऑफिसर होता है, हुज कंप्रोमाइज, जो कंप्रोमाइज़ कराता है फाइनली
यानी कि बाद में ये कंप्रोमाइज़ करा भी देता है वर्कर्स और कंपनी के बीच में, सुलह कराने का काम भी कर देता है, और जब वो सुलह हो जाती है तो एक्सेप्ट कर ली जाती है, स्वीकार कर ली जाती है बाय दी कंटेंडिंग पार्टीज। जो कंटेंडिंग पार्टीज होती थी दोनों पार्टीज के द्वारा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता था। और एक कैरेक्टर का नाम लूँगा मैं, फ्रेडरिक एच वाइल्डर। देखो जो फ्रेडरिक एच वाइल्डर हैं, ये डायरेक्टर ऑफ दी टिन प्लेट वर्क्स, यानी कि जो आपकी ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स है, ठीक है, उस कंपनी के डायरेक्टर हैं। इस कंपनी के तीन डायरेक्टर दिखाए जाते हैं। कितने डायरेक्टर दिखाए जाते हैं? एक तो फ्रेडरिक एच वाइल्डर हो गया, दूसरा विलियम स्कैंट लेबरी हो गया। तो इन तीनों डायरेक्टर्स के नाम याद बनाए रखना है, कौन कौन से हैं एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स है उसका प्रबंधक कौन है, तो आपको नाम लेना है अंडरवुड, यानी कि मैनेजर कौन है उसका, अंडरवुड है। और अगर ये पूछा जाए कि जो ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स के डायरेक्टर कौन हैं, डायरेक्टर्स की जो बोर्ड की, डायरेक्टर के बोर्ड की मीटिंग होती है उनमें कौन कौन डायरेक्टर होता है, तो उसका चेयरमैन तो जॉन एंथनी होता है। चेयरमैन का पुत्र जो दिखाया जाता है वो एडगर दिखाया जाता है। और इसके बाद में वहाँ पर तीन अन्य जो हैं डायरेक्टर होते हैं, और उनके नाम क्या होते हैं, उनका नाम यहाँ पर तीनों के दिए गए हैं। एक तो फ्रेडरिक एच वाइल्डर हो गया, पहला कौन सा हो गया, पहला फ्रेडरिक एच वाइल्डर, दूसरा डायरेक्टर कौन है ट्रिनार्था प्लेट यानी कि ट्रिनार्था कंपनी का, उसका नाम है विलियम स्कैंट लेबरी, और तीसरा जो डायरेक्टर है उसका नाम है ओलिवर, क्या नाम है, ओलिवर बैंकलिन, क्या नाम है, ओलिवर बैंकलिन। ये तीसरा जो है ट्रिनार्था प्लेट वर्क्स कंपनी का डायरेक्टर। तो ये तीन डायरेक्टर के नाम याद रखना है। ये माइनर कैरेक्टर हैं, जरा समझ लीजिएगा, जिसमें डेविड रॉबर्ट, हेनरी टिंच, जेम्स ग्रीन, जॉन वल्गिन और हेनरी थॉमस, जॉर्ज रॉयस, ये सभी क्या हैं, उस जो वर्कर्स हैं कंपनी के, उनकी एक कमेटी बनी हुई है, तो वर्कमैन हैं, वर्कमैन्स कमेटी, यानी कि कमेटी के ये वर्कमैन कार्यकर्ता हैं सभी। और अगला हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो क्या हैं, वर्कमैन का मतलब होता है काम करने वाले। जो ट्रिनार्था कंपनी थी उस कंपनी में काम करने वाले जैसे हेनरी राउस, लुइस जागो, इवेंस, आ ब्लैक स्मिथ, डेविस, आ रेड हेड यूथ, ये सभी क्या थे, वर्कमैन ऑफ द टिन प्लेट वर्क्स, ये ध्यान बनाए रखना। इतना क्लियर हो गया। और नेक्स्ट कैरेक्टर अगर हम बात करें फ्रॉस्ट की, ये फ्रॉस्ट कौन दिखाया जाता है, बैलेट दिखाया जाता है टू जॉन एंथनी का। और बैलेट का मीनिंग होता है यहाँ पर फ्रॉस्ट, जो अगर बैलेट दिखाया जाता है, बैलेट का मीनिंग मैंने क्या बताया, सेवक, बैलेट का मीनिंग होता है सेवक, यानी कि एंथनी का सेवक कौन दिखाया जाता है, तो वो कौन होता है, फ्रॉस्ट होता है। इसके बाद में मैस थॉमस कौन होती हैं, डॉटर होती हैं हेनरी थॉमस की, ठीक है। मिस्टर मिसेस रॉयस कौन दिखाई जाती हैं, ये माता जी दिखाई जाती हैं जॉर्ज और हेनरी रॉयस की, किसकी, जॉर्ज और हेनरी रॉयस की। इसके बाद में मिसेस बल्गिन कौन दिखाई जाती हैं, ये जॉन बल्गिन की वाइफ दिखाई जाती हैं। और मिसेस यो कौन दिखाई जाती हैं, ये वाइफ टू अ वर्कमैन, उस वर्कमैन की पत्नी दिखाई जाती हैं। तो ये थे कुछ माइनर कैरेक्टर जिनको हमने थोड़ा सा समझाने के लिए इनको तीन भागों में बांट रखा है। डायरेक्टर एंड हिज फैमिली में कौन कौन आ जाएगा आपका, अगर हम डायरेक्टर एंड हिज फैमिली में बात करें तो देखो इसमें कितने लोग आ जाएंगे, तीन लोग आ जाएंगे। कौन कौन, जॉन एंथनी आ जाएगा, ठीक है,
और ये जॉन एंथनी कौन है, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है। एडगर एंथनी कौन है, जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है उसका बेटा दिखाया जाता है, सन ऑफ जॉन एंथनी का। एनेट अंडरवुड कौन है, डॉटर ऑफ जॉन एंथनी, और इसकी शादी किससे होती है, फ्रांसिस अंडरवुड। तो ये क्या बन जाती हैं, एनेट अंडरवुड बन जाती हैं। और जो फ्रांसिस अंडरवुड हैं वो मैनेजर ऑफ दी फैक्ट्री हैं। इधर अगर हम ट्रेड यूनियन की बात करें, अगर हम इधर किसकी बात कर लें, ट्रेड यूनियन की बात कर लें, तो ट्रेड यूनियन में एक व्यक्ति दिखाया जाता है, सिमोन्स हार्नेस। ये क्या होता है, एक ट्रेड यूनियन ऑफिसर होता है और ये वर्कर्स और कंपनी के बीच में सुलह कराने का काम करता है। इसी तरीके से वर्कर्स में कौन हो जाएगा, डेविड रॉबर्ट हो जाएगा। और ये डेविड रॉबर्ट कौन है, इसके बारे में आप जानते हो, ये मजदूरों का नेता है और यही यूनियन को लीड कर रहा है। इसके बाद में एनी रॉबर्ट कौन है, तो ये डेविड रॉबर्ट की पत्नी है। अदर वर्कर्स भी इसमें दिखाए जाते हैं। फिलहाल आपको इतने को ही याद बनाए रखना है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, और जो यहाँ पे एक पॉइंट मैं और क्लियर कर दूं, जो मिसेस रॉबर्ट है यहाँ पे, ये कभी जो है ओल्ड एंथनी जो अंडरवुड होता है, जिससे शादी होती है एनिड अंडरवुड की, या जो कंपनी के मालिक होते हैं, मैनेजर होते हैं, सॉरी नॉट मालिक, मैनेजर होते हैं, उनके यहाँ ये मेड का काम करती हैं, ध्यान रखना। तो इसीलिए मिसेस, बाद में कहानी में आपको पता लगेगा कि ये एनिड अंडरवुड और इनके पति जो हैं दोनों ही क्या करते हैं, इसकी मदद करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। अब आगे देखो, ईस्ट सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, दोनों ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। स्ट्राइफ में आपको समझने वाली बात कहाँ पर है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। स्ट्राइफ किसके द्वारा लिखा गया, फिर से रिवीजन कर दो एक मिनट के लिए, जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया। कितने एक्ट का प्ले है, ये थ्री एक्ट का प्ले, ओके। और ये क्या है, हिज थर्ड प्ले विच वॉज वेरी सक्सेसफुल अमंग हिज फर्स्ट थ्री प्लेज, यानी कि अमंग हिज फर्स्ट टू प्लेज। जो फर्स्ट थ्री प्लेज में मतलब ये है, एक दो तीन, और तीसरे नंबर पे कौन है, स्ट्राइफ है। तीसरे नंबर पे कौन सा प्ले है, स्ट्राइफ है। और ये जो जॉन गॉल्सवर्दी का स्ट्राइप प्ले है, ये कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। तो इससे पहले के दो प्ले कौन से थे जो सक्सेसफुल नहीं रहे, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, ठीक है, वो आपको बताना है। तो इससे पहले जो थे वो कौन से थे, जॉय, पहले सिल्वर बॉक्स आया, सबसे पहला प्ले इनका कौन सा आया, सिल्वर बॉक्स आया। दूसरे नंबर पे इनका सात में आया था जॉय, और नौ में स्ट्राइफ आया। तो ये दो बहुत ज़्यादा, सिल्वर बॉक्स और जॉय, इनके जो प्ले थे वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन इनका जो थर्ड प्ले स्ट्राइफ आया, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और इससे इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। दोस्तों क्लियर हो गया, यानी कि सिल्वर बॉक्स और जॉय वर नॉट वेरी सक्सेसफुल। अब ये जो स्ट्राइफ प्ले है, ये कब प्रोड्यूस्ड हुआ, 1909 में। कब आया, 1909 में आया, कहाँ, लंदन में, एट अ ड्यूक ऑफ न्यूयॉर्क थिएटर में सबसे पहली बार परफॉर्म हुआ था। दोस्तों ये क्लियर है। अब क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से अभी तक पूछा तो नहीं गया, लेकिन बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो हमारा स्ट्राइप प्ले है, थ्री एक्ट प्ले है, तो पहले एक्ट की शुरुआत कहाँ से होती है, कौन सा सीन। तो एक्ट वन की शुरुआत कहाँ से होती है, द डाइनिंग रूम दिखाया जाता है ऑफ द मैनेजर्स हाउस। जो मैनेजर होता है, मैनेजर होता कौन है, अंडरवुड होता है, ठीक है। तो जो अंडरवुड होता है, उस मैनेजर के घर के डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, वहीं से इस प्ले की ओपनिंग होती है। तो इस प्ले का ओपनिंग सीन कौन है, ओपनिंग सीन कहाँ से होता है, तो द डाइनिंग रूम ऑफ द मैनेजर्स हाउस, मैनेजर्स के घर के डाइनिंग रूम का है। इसके बाद हम एक्ट सेकेंड की ओपनिंग सीन क्या है, तो एक्ट सीन एक्ट सेकेंड के सीन फर्स्ट में जो ओपनिंग सीन होता है शुरुआत में, वो कहाँ दिखाया जाता है, द किचन ऑफ अ रॉबर्ट्स कॉटेज, यानी कि जो रॉबर्ट होता है उसका कॉटेज
नियर दी वक्स वक्स जो वक्स होती है उसी के पास में उसका एक कॉटेज होता है, तो उस कॉटेज के किचन का सीन दिखाया जाता है दोस्तों। इसके बाद सीन सेकंड जो होता है आ स्पेस आउटसाइड अ बार, कभी कभी पूछ लेते हैं एक्ट सेकंड सीन सेकंड की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आ स्पेस आउटसाइड द बक्स। अब इसके बाद एक्ट थर्ड की शुरुआत कैसे होती है, तो द ड्राइंग रूम दिखाया जाता है। पहले डाइनिंग रूम था, अब ड्राइंग रूम ऑफ द मैनेजर्स हाउस, मैनेजर के घर का ड्राइंग रूम से एक्ट थर्ड की शुरुआत होती है। ये जो आपका स्ट्राइक प्ले है, थ्री एक्ट प्ले है, ओके, इसका टेक प्लेस ऑन फरवरी 7th बिटवीन द आवर ऑफ नून, आवर्स ऑफ नून एंड 6 इन द आफ्टरनून, क्लोज टू द ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स। यानी कि ये कहाँ क्लोज होता है, ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स नाम की एक कंपनी है, ऑन द बॉर्डर्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। ये तो बात बताई थी कि इस प्ले की शुरुआत होती है वो ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स नाम की एक कंपनी से जो कि इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर पर, बेयर जहाँ पर क्या चल रही है, एक स्ट्राइक हैज बीन इन प्रोग्रेस थ्रू आउट द विंटर, जहाँ पर एक स्ट्राइक चल रही है और पूरे जाड़ों भर वो स्ट्राइक जो है वो प्रोग्रेस करती है यानी कि जारी रहती है। ठीक है, तो स्ट्राइक कहाँ चल रही है, तो आपको आंसर देना है बॉर्डर्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। ठीक है, कब, उस समय मौसम कैसा है, विंटर का मौसम है, ध्यान रखना। इतना क्लियर हो गया, ओके, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरीके से कैसे भी पूछा जाए, जहाँ से जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उठा सकते हैं, वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्राइक में और क्या है, ये तो कई बार बता ही चुके हैं, आ ड्रामा इन थ्री एक्ट का है और ये पब्लिश हुआ था 1909 में, अब तक तो रट जाना चाहिए था, मेमोराइज हो जाना चाहिए था। और मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये TGT 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है स्ट्राइक से ही। अब TGT में पूछा कैसे करके गया था कि जो प्ले है स्ट्राइक हमारा, वो सोच दिखाता है द कॉन्फ्लिक्ट ब्रोध को दिखाता है बिटवीन, बीच में द कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स क्लास, जो कैपिटल और लेबर क्लास है उसके बीच में ब्रोध को दिखाता है। यानी कि यहाँ पर दो तरीके का ब्रोध आपको देखने को मिलता है, कैपिटलिस्ट जो पूंजीवाद हैं और दूसरी तरफ कौन है, लेबरर्स, यानी कि एक तरफ बड़े लोग हैं, कंपनियों के मालिक हैं बड़े बड़े, और दूसरी तरफ उन कंपनियों में काम करने वाले जो हैं वर्कर्स हैं, उनके बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी थीम भी है साथियों, ध्यान रखना, यानी कि टू द कैपिटलिस्ट क्लास से कौन कौन बिलोंग करता है, कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीपति हैं, पूंजीपतियों से बिलोंग करते हैं, तो जो कंपनी के मालिक होंगे वही पूंजीपति होंगे। और स्ट्राइक यानी कि प्ले में जो ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स नाम की एक कंपनी है, उस कंपनी में कैपिटलिस्ट कौन दिखाया जाता है, कौन कौन पूंजीपति दिखाया जाता है, उनके नाम क्या हैं, पहला जॉन एंथनी, ये जॉन एंथनी कौन दिखाया जाता है, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड दिखाया जाता है, बहुत जिद्दी है, 75 साल का व्यक्ति है, यानी कि चेयरमैन दिखाया जाता है किसका, ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स का, कंपनी का। और दूसरा एडगर एंथनी उसका बेटा, और डायरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, डायरेक्टर्स कौन होते हैं, तीन, एक फ्रेडरिक एच वाइल्डर दिखाया जाता है, दूसरा विलियम स्कैंटलवरी होते हैं, ठीक है, स्कैंटलवरी दिखाए जाते हैं, और तीसरे जो दिखाए जाते हैं वो ओलिवर बैंकलिन दिखाए जाते हैं, कौन, ओलिवर बैंकलिन। ये तीनों क्या होते हैं, उस कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, और यही तीनों कैपिटलिस्ट क्लास से बिलोंग करते हैं। तो तुमसे अगर पूछा जाए कि जो ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स नाम की कंपनी थी, उनमें कौन कौन लोग कैपिटलिस्ट क्लास से बिलोंग करते थे, तो तुरंत उनके नाम बता देना है, जॉन एंथनी, इसके बाद में उसका पुत्र एडगर एंथनी, इसके बाद उन तीनों डायरेक्टर्स के नाम जो उस कंपनी के डायरेक्टर थे, यानी कि ओलिवर बैंकलिन, फ्रेडरिक वाइल्डर और विलियम स्कैंटलवरी। ठीक है,
अब नेक्स्ट इसके बाद में जब कैपिटलिस्ट के बारे में पूछेंगे तो वर्कर्स नेम भी पूछ लेते हैं। तो वर्कर्स नेम में कौन था, दूसरी तरफ कौन था जो संघर्ष कर रहे थे, स्ट्राइक पर बैठे हुए थे उन पूंजीपतियों के खिलाफ, तो उस कमेटी में कौन कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन यानी कि द वर्कमैन कमेटी कंसिस्ट ऑफ, जो वर्कमैन कमेटी थी उसके अंदर कौन कौन थे, उनके क्या क्या नाम थे, तो उसमें उस कमेटी का लीडर कौन था, वर्कर्स का, मजदूरों का लीडर कौन था, डेविड रॉबर्ट्स था, जेम्स ग्रीन था, जॉन बल्गिन था, हेनरी थॉमस और जॉर्ज रॉस, ये क्या थे, उस वर्कमैन कमेटी थी, वर्कमैन कमेटी यानी कि उस कमेटी के सदस्य थे। इतना क्लियर हो गया इस टाइप के बारे में। अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई, अब हम बताएंगे आपको हिंदी स्टोरी। व्हाट इज द हिंदी स्टोरी, बहुत तेज़ी से वैसे बताने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सब कुछ पता है। इस टाइप कब आया, तेज़ी से रिवीजन कर लो बस, 1909 में ये पब्लिश हुआ है। कितने एक्ट का प्ले है, 3 एक्ट प्ले है। इसमें इसकी थीम क्या है इस प्ले की, तो इस प्ले की थीम है क्लास कॉन्शियसनेस। इस तरीके की अगर कहीं दिखाई दे तो आप ये भी, एक तो थीम इसकी क्या बनेगी, क्लास कॉन्शियसनेस की बनेगी, दूसरी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, वो आपकी थीम बन जाएगी। अब इसमें शुरुआत कहाँ से होती है, ये दृश्य 7 फरवरी ट्रिनाथा टिन प्लेट वर्क्स नाम की कंपनी का है, जो कि इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर पर कई महीने से फैक्ट्री में हड़ताल चल रही, स्ट्राइक चल रही है। डायरेक्टर्स को कंपनी के होने वाले नुकसान की बहुत चिंता है, जो भी जितने भी वो तीनों डायरेक्टर्स हैं उन तीनों डायरेक्टर्स को कंपनी में होने वाले नुकसान की बहुत ज़्यादा चिंता सताई जा रही है। तभी क्या होता है कि एक बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है, और उस बोर्ड मीटिंग कहाँ होती है, तो मैनेजर ऑफ वर्क यानी कि मैनेजर के घर पर ही आयोजित की जाती है। हमने एक्ट 1 में बताया था कहाँ से, यानी कि वो क्या होता है, डाइनिंग रूम होता है अंडरवुड के घर का, वहाँ से इस प्ले की शुरुआत होती है। इसके बाद सेकेंड पैराग्राम में थोड़ा सा समझिएगा, सिमोन हॉर्नेस कौन दिखाया जाता है, ऑफिसर दिखाया जाता है ट्रेड यूनियन का, जो कि यानी कि सिमोन हॉर्नेस ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधित्व करता है। वह कहता है कि वह व्यक्तियों की ज़्यादा मांगों को कम कर देगा, परंतु तुम्हें यूनियन की मांगों को पूरा करना होगा। ये क्या करता था सिमोन हॉर्नेस, जो कि ट्रेड यूनियन ऑफिसर है, ये वर्कर्स और कंपनी के बीच में सुलह कराने का काम करता है, यानी कि। और उधर मैन कमेटी का नेता कौन दिखाया जाता है, यानी कि डेविड रॉबर्ट दिखाया जाता है, जो कि मजदूरों का नेता है और यही यूनियन को लीड कर रहा है। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, वो ये कहता है, क्योंकि ये भी अड़ियल है, ये भी जिद्दी है, और उसका जो चेयरमैन है जिसका नाम जॉन एंथनी है, वो भी बहुत जिद्दी है, 75 साल का बूढ़ा व्यक्ति, पूरा नहीं की जाती, वे स्ट्राइक जारी। तो ये डेविड रॉबर्ट जो है इनको चेतावनी देता है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करा जाएगा तो वो अपनी स्ट्राइक को जारी रखेंगे, यद्यपि वहाँ पर चाहे हमारे कितने लोग भी भूखे क्यों ना मर जाएं, क्योंकि वो उनके पास कुछ भी जमा पूंजी नहीं थी, जितना था उतना ही वो अपना जीवन यापन करते थे, इसके बावजूद भी अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए वो स्ट्राइक कर रहे थे। और उन्होंने ये बाद डिसाइड कर ली कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाएगा, मान नहीं लिया जाएगा, तब तक हम भूखे प्यासे हड़ताल करते रहेंगे, स्ट्राइक करते रहेंगे। यह विरोध होता है कंपनी के चेयरमैन जॉन एंथनी और रॉबर्ट के बीच। मैंने क्या बताया, कंपनी का चेयरमैन कौन दिखाया जाता है, जॉन एंथनी दिखाया जाता है, और उस दूसरी तरफ मजदूरों का नेता कौन दिखाया जाता है, डेविड रॉबर्ट दिखाया जाता है। उनके बीच जो है विरोध होता है, और इन दोनों में से कोई भी हार नहीं मानना चाहता। मीटिंग के बाद जॉन एंथनी की बेटी, जिसका नाम होता है एनिट अंडरवुड, और मैनेजर की पत्नी अपने पिता से बात करती हैं, यानी कि मैनेजर की पत्नी जो होती हैं वो भी बात करती हैं। मैनेजर की पत्नी कौन हुई, यही हुई एनिट अंडरवुड, और स्वयं मैनेजर भी अपनी
जो उनके चेयरमैन होते हैं यानी कि ससुर रिश्ते में हुए इनके, तो जॉन एंथनी से बात करते हैं कि पिताजी आप ही मजदूरों की बात को मान लीजिएगा, उनके अधिकारों को दे दीजिए। लेकिन ये अड़ियल स्वभाव का होता है, जिद्दी स्वभाव का होता है और ये किसी की बात को भी नहीं मानता। तब ये बड़े इनके बेटा और सॉरी इनकी बेटी और इनके दामाद जो मैनेजर होते हैं कंपनी में, वो बड़े सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं। सॉफ्ट कॉर्नर से मतलब बड़े सहृदय स्वभाव के होते हैं। तो उनको मजदूरों के परिवारों की दुखी हालात को देख करके वो भी दुखी हैं। तो रॉबर्ट की पत्नी, और उधर क्या होता है यानी कि जब ये दोनों लोग क्या करते थे यानी कि इस एंथनी की बेटी जो होती है एनिड अंडरवुड, जब वो मजदूरों की पत्नियों को या उनके बच्चों की या उनके परिवारों की हालत को देखती हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। यहाँ पर जो रॉबर्ट की पत्नी है मिसेस रॉबर्ट, ओके, वो उसकी मेड है। यानी कि जो मिसेस रॉबर्ट हैं वो मैनेजर, उस कंपनी का जो मैनेजर है उनके घर पर नौकरानी है, काम करती हैं। इतना क्लियर हो गया। ये एक विरोध होता है। अब क्या होता है कि कंपनी के सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी और हेनरी फिंच एंथनी को बताता है, जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है हेनरी, वो हेनरी फिंच एंथनी को यह बताता है कि वह बोर्ड से विजय प्राप्त करेगा यानी कि वह जीत जाएगा। इसके बाद में जो एनिड रॉबर्ट के कॉटेज पर जाती है और उसकी पत्नी एनी रॉबर्ट से बात करती है। अब क्या हुआ, जो एनिड होती है वो रॉबर्ट के कॉटेज से मतलब कुटिया या घर पर जाती है। अब कौन जाती है, ये एनिड। एनिड कौन है, एनिड जो है वो उस कंपनी का जो मैनेजर है उसकी पत्नी है और साथ ही साथ उस कंपनी के चेयरमैन की बेटी है, ध्यान रखना। ये क्या करती है, जो मजदूरों का नेता रॉबर्ट है उसके घर पर जाती है और उसकी पत्नी एनी रॉबर्ट, जिसे हम मिसेस रॉबर्ट भी कह सकते हैं क्योंकि रॉबर्ट की पत्नी है, तो एनी रॉबर्ट से बात करती है क्योंकि इन्हें बड़ा दुख होता है, वो भूख से मरी जा रही हैं। लेकिन इधर उसका पति जो रॉबर्ट है जो मजदूरों को लीड कर रहा है वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। उसने कसम खा ली है, भले ही हमारा परिवार भूख से मर जाए लेकिन हम स्ट्राइक को वापस नहीं लेंगे, हम लोग दोबारा कंपनी में काम करने वापस नहीं जाएंगे और तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारे अधिकारों हमारी मांगों को पूरा ना कर दिया जाए। तो ये जो उसकी बेटी होती है जिनके यहाँ इनकी पत्नी घर पर काम कर रही होती हैं, जब वो उनसे मिलने जाती हैं उनके कॉटेज पर, तो एनी रॉबर्ट से बात करती हैं। उनकी हालत को देख करके वो दिल से बहुत परेशान हो जाती हैं, उनकी हालत को देख करके वो बड़ी परेशान हो जाती हैं। जब रॉबर्ट अंदर आता है तो एनिड उसे समझौता करने के लिए कहती हैं। एनिड कहती हैं कि कम से कम तुम ही मान जाओ, हमारे पिता तो नहीं मान रहे हैं। परंतु वह भी जो रॉबर्ट होता है वो भी टस से मस नहीं होता, वह अपनी पत्नी को भी की भी बात नहीं मानता, उसकी जो पत्नी होती है उनकी भी बात नहीं मानता, प्लस में अपने मालिक की बेटी की भी बात नहीं मानता। खुले आसमान के नीचे, क्योंकि विंटर का सीजन है तो खुले आसमान के नीचे हड़ताल कर्मियों की मीटिंग हो रही है, जहां हार्नेस, अब ये हार्नेस कौन है, सिमोन हार्नेस, ये ट्रेड यूनियन ऑफिसर है, वर्कर और कंपनी के बीच में सुलह कराने का काम करता है। ये हार्नेस कहता है कि उनको गलत सलाह दी गई है, तुम्हें भड़काया गया है, ओके, और उन्हें अपनी मांगे कम करनी चाहिए। किससे कहता है, वर्कर से, जो ट्रेड यूनियन के, यानी कि तुम अपनी थोड़ा सा तुम झुको, थोड़ा मैं उन्हें झुकाता हूँ, अपनी थोड़ी मांगों को तुम कम कर दो, बाकी बची हुई मांगे हम उनसे पूरी करा लेंगे। इस तरीके से वो सेटलमेंट करना चाहता है सिमोन हार्नेस। यूनियन को सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को, यूनियन उनको सपोर्ट करेगी। दो लोग भाषण देते हैं, उनकी अलग अलग राय है, तभी और जो रॉबर्ट है जो यूनियन का नेता है
यानी कि मजदूरों का नेता है, जो मजदूरों को लीड कर रहा है वो रॉबर्ट स्टेज पर जाता है लंबे भाषण के दौरान, क्योंकि ये कुशल वक्ता भी है और अपनी बातों से, अपने भाषण से, अपने स्पीच से किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, लंबे भाषणों के दौरान कहता है कि यह लड़ाई सफ़ेद चेहरे वाले पत्थर दिल राक्षसों के विरुद्ध है। सफ़ेद चेहरे वाले पत्थर दिल किसको बोला गया है? उस कंपनी के मालिकों के लिए, पूंजीपतियों के लिए कहा गया है। राक्षसों के विरुद्ध है। जब खबर, तभी क्या होता है, खबर आती है कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया है, वह मीटिंग छोड़ करके वहाँ से चला जाता है, यानी कि वह अपनी जो लीड कर रहा होता है मजदूरों को, तो वह मजदूरों के बीच में भाषण दे रहा होता है कि अगर आज हम लोगों ने अपने अधिकारों के खिलाफ नहीं लड़े तो फिर हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाली नस्ल भी इसी तरह गुलामी में अपना जीवन यापन करती रहेगी। तो इस तरीके से वो स्पीच देता है, फिर से सभी के अंदर एनर्जी भर देता है, लेकिन बीच में उसके पत्नी के मरने यानी कि उनके देहांत होने की खबर आ जाती है, तो वह मीटिंग को छोड़ करके चला जाता है। इसके बाद में यहीं पर जब खबर आती है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, तो उसको देख करके तब भी बहुत सारे वर्कर समझाते हैं कि तुम अपनी जिद छोड़ दो, अर्थात पुनः काम पर वापस चले जाओ, तुम्हारी तरह हमारे जो परिवार वाले हैं वो भी इसी तरह भूख से मर रहे हैं, लेकिन ये फिर से उन्हें अपनी ओर कर लेता है। मैनेजर के घर पर एनिड एडगर एंथनी से बात करती है। कौन? ये एनिड। एनिड किससे बात करती है? एडगर एंथनी से। एडगर और एडगर एंथनी कौन होता है, ध्यान रखिएगा। एडगर एंथनी के बारे में भी हम क्लियर कर चुके हैं और इसको ज़रूर ध्यान बनाए रखिएगा। जॉन एंथनी उसका पिता होता है और एडगर एंथनी उसका बेटा होता है। तो ये भाई बहन दोनों बात कर रहे हैं, मैनेजर। अब मैनेजर कौन है? एनिड के पति का घर, यानी कि इसका मतलब एनिड अपने ही घर पर अपने भाई एडगर एंथनी से बात करती है। और क्या बात करती है? वह चेयरमैन का लड़का और एक डायरेक्टर है। और कौन है? चेयरमैन का लड़का है और एक डायरेक्टर है। अब एनिड को मजदूरों के साथ कम सहानुभूति है। और अपने पिता की चिंता है। वह कहती है कि उसे अपने पिता का सपोर्ट करना चाहिए। एडगर एंथनी को सहानुभूति वर्कर्स के साथ है, और ये जो उसका बेटा एडगर एंथनी है, उसकी सहानुभूति, उसकी सिंपैथी किसके साथ है? जो स्ट्राइक पर जितने भी मजदूर बैठे हुए हैं, वर्कर्स बैठे हैं, उनके साथ हैं। फिर उन्हें समाचार मिलता है कि मिसिस रॉबर्ट की मृत्यु हो गई। इन लोगों को भी पता चल जाता है। एडगर कहता है कि वह अपना इस्तीफा दे देगा। जॉन एंथनी कहता है वर्कर्स के साथ सख्ती के साथ पेश आना चाहिए, उनकी मांगें बढ़ती जाएंगी। और यहीं पर जो एडगर एंथनी उसका पुत्र होता है जॉन एंथनी का, तो वो कहता है अब मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। तभी जॉन एंथनी कहता है कि वर्कर्स के साथ हमेशा सख्ती से पेश आना चाहिए, अगर आप उनके साथ सख्ती से पेश नहीं आओगे तो उनकी जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जाएगी। इतना क्लियर हो? उसने कहा कि झगड़े को हार्नेस के हाथों में दे दिया जाए। हार्नेस कौन होता है भाई? सुमेन हार्नेस होता है, जो कि ट्रेड यूनियन ऑफिसर है और ये वर्कर्स तथा कंपनी के बीच में सुलह कराने का काम करता है। सभी निदेशक तैयार हैं। निदेशक से मतलब डायरेक्टर, वो तीन डायरेक्टर होते हैं, वो तीनों डायरेक्टर क्या हैं? तैयार हैं। परंतु जो एंथनी है, जो चेयरमैन है, इसके विपक्ष में था, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और उसने, वो लास्ट तक तैयार नहीं हुआ, अंततः उसने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। रॉबर्ट एंड हार्नेस परिणाम को प्राप्त करने के लिए आते हैं। रॉबर्ट अभी भी उनके विरुद्ध हैं। अब क्या होता है, जो हार्नेस होता है, जो सुलह करा रहा है बीच में, ठीक है, वो बाहर निकल करके आते हैं, लेकिन उस सुलह पर रॉबर्ट अभी भी उनके विरुद्ध हैं।
और उसको पता चलता है कि उसको और एंथनी को बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, तभी क्या होता है, उधर जो एंथनी अड़ियल रवैया अपनाया हुआ था, इधर कौन, रॉबर्ट अपना अड़ियल रवैया अपनाया हुआ था, तो उधर जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो एंथनी को बाहर कर देते हैं निकाल करके, और इधर जो मजदूरों का नेता बना घूम रहा था डेविड रॉबर्ट, इसको मजदूर बाहर निकाल करके फेंक देते हैं। तभी क्या हो जाता है, एग्रीमेंट साइन हो जाता है। एग्रीमेंट वैसा ही है जैसा हड़ताल से पहले था। इतना क्लियर हो गया, कहीं कुछ किसी तरीके का बदलाव नहीं होता। ये दो क्वेश्चन हमारे टीजीटी में पूछे गए हैं, दोनों क्वेश्चन समझ लीजिएगा। स्ट्राइप डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स, ये टीजीटी 2001 में पूछा गया है। यानी कि जो स्ट्राइफ नाम का जॉन गॉल्सवर्दी का थ्री एक्ट का प्ले है, उसमें ये दिखाया जाता है कैपिटलिस्ट और लेबरर्स के बीच में संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था इसी को घुमा करके कि गॉल्सवर्दी के प्ले, जो जॉन गॉल्सवर्दी का नाटक प्ले है और उसका नाम स्ट्राइफ डील्स करता है विद द सब्जेक्ट ऑफ, वो किसको डील करता है, इसका थीम क्या, सब्जेक्ट मैटर क्या, तो लेबर डिस्प्यूट। इसमें क्या दिखाया जाता है, लेबर डिस्प्यूट दिखाया जाता है, और ये टीजीटी 2013 में पूछा गया। एक और टीजीटी के 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्ट्राइफ ड्रामेटाइजेस, किसको ड्रामेटाइज करता है, तो इसमें स्ट्राइफ संघर्ष में मजदूर जो हैं वो क्या कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, किसके खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ, कैपिटलिस्ट के खिलाफ। ठीक है, तो ये था हम लोगों का आज का वीडियो। ठीक है, स्ट्राइफ के बारे में बता रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब कुछ भी स्ट्राइफ से आप बिल्कुल भी किसी तरीके से कुछ भी अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अगर कुछ भी स्ट्राइफ से पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर देने में क्लियर होंगे। ठीक है, इतना ध्यान बनाए रखना। तो स्ट्राइफ की बात क्या कर रहे थे, स्ट्राइफ संघर्ष थ्री एक्ट का प्ले है, 1907 में आया, 1907 में ये लिखा गया था, आया नहीं था, ओरिजिनली जो पब्लिश हुआ था वो 1909 में, तो आपको जो डेट याद बनाए रखना है वो 1909 याद बनाए रखना। इस प्ले की शुरुआत ध्यान बनाए रखनी है कि इस प्ले की शुरुआत जो है वो ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स नाम की कंपनी से होता है, और ये कंपनी कहाँ पर स्थित है, इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर पर है। इस कंपनी के मैनेजर का नाम याद बनाए रखना, तो अंडरवुड नाम है। इस कंपनी का चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कौन है, उसका नाम जॉन एंथनी है, जो कि जिद्दी और 75 साल का व्यक्ति है। इस कंपनी के मैनेजर अंडरवुड की पत्नी जो है मिसेस अंडरवुड दिखाई जाती हैं, जो कि जॉन एंथनी की बेटी हैं। एक सिमन हॉर्निस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि ट्रेड यूनियन ऑफिसर होता है, और ये वर्कर्स और कंपनी के बीच में सुलह कराने का काम करता है। एक और कैरेक्टर होता है डेविड रॉबर्ट होता है, ये मजदूरों का नेता होता है और यही यूनियन को क्या कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है। इसकी पत्नी जो होती हैं वो मिसेस रॉबर्ट होती हैं, कभी अंडरवुड के घर पर मेड का यानी कि नौकरानी थी ये। इसके बाद एडगर एंथनी दिखाया जाता है, जो कि ओल्ड एंथनी का बेटा होता है। तो ये थी हमारी कहानी आज की दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कल।